हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लो बीपी के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। तो उसमें एक फ्रेंड्स ने बोला था कि उनका हाई बीपी होता है, तो आप एक हाई बीपी पर भी वीडियो बनाइए। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए हाई बीपी के बारे में बताने के लिए वीडियो। तो हाई बीपी में हम लोग क्या ऐसा खाएं जो हम लोग को हाई बीपी हो ना, मतलब हम लोग हाई बीपी वाली स्टेज में पहुंचे ही ना, ऐसा हम लोगों को क्या खाना चाहिए जिससे हम लोग को हाई बीपी ना हो। हाई बीपी क्यों होता है, इसका भी एक रीज़न है। हम लोग के गलत खान पान से, गलत जीवन शैली से हाई बीपी भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग जैसे बाहर रहते हैं, अगर हम लोग घर का खाना नहीं खाते हैं, ज़्यादातर बाहर का ही खाना खाते हैं, तो उसमें ऑयली आइटम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जो ऑयल होता है बाहर के खाद्य पदार्थ का, वो हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और आप लोग ये जानना चाहेंगे कि ऑयल से बीपी का क्या संबंध है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा चिकनी चीज़ें हमारी बॉडी में जाती हैं, तो वो हमारी जो ब्लड होते हैं उनको गाढ़ा कर देती है। ब्लड जो गाढ़ा हो जाता है, तो वो हमारी जो नसें होती हैं, जो नलिकाएं हार्ट तक हमारे ब्लड को ले जाती हैं, तो वो अपना वर्क ठीक से नहीं कर पाती हैं। देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर ऐसे होता है जैसे हम लोग पानी चला देते हैं, मोटर का पानी चला दिया, जैसे हम लोगों ने सबमर्सिबल पंप अपना खोल दिया। अब अगर उसके पाइप में जो पानी जा रहा है, अगर उसमें कचरा फंसा है, तो वो पानी आगे तक नहीं जा पाएगा। फिर क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, वो पाइप ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ सेम बीपी में भी होता है, क्योंकि बीपी में भी हम लोगों की जो नसें हार्ट तक खून ले जा रही हैं, वो उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे हम लोगों को बीपी का प्रॉब्लम होता है। और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी, ज़्यादा माइंड चलाने से भी, ज़्यादा गुस्सा करने से भी हम लोगों का बीपी हाई हो जाता है। तो आप लोग बीपी से कैसे बचें और किस तरह से, मतलब दवा ना खानी पड़े आप लोगों को, और नॉर्मल अपने घर के ही खान पान से आप अपना बीपी कैसे सही रख सकते हैं, वो मैं आज आपके इस वीडियो में बताना चाहूँगी। तो प्लीज़ इसको फॉलो करना, तो आप लोग भी दवा खाने से बचे रहेंगे। और बीपी को लोग नॉर्मल समझते हैं बिल्कुल, कि बीपी है, कोई कहता है मुझे लो बीपी, कोई कहता है मुझे हाई बीपी, लेकिन ये हाई बीपी आप लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। अगर वो अपने लेवल से ज़्यादा हाई हो गया, तो वो कितना ज़्यादा आप लोगों को बॉडी को नुकसान पहुँचा सकता है, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। आपकी किडनी फेल हो सकती है अगर आपका हाई बीपी हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है आपको, और ये जो आप देखते हैं आए दिन हार्ट अटैक होते हैं, वो भी इसी की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के उसमें नलियों में, खून की नलियों में इतनी ज़्यादा चिकनी चिकनाहट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो खून को गाढ़ा कर देती है, जो कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए बोला जाता है कि कोलेस्ट्रॉल कम खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल सही करिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो हम लोगों को गुड कोलेस्ट्रॉल ही खाना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं, तो हम लोग ड्राई फ्रूट्स इतना ज़्यादा खाते हैं, तो शरीर उससे स्वस्थ भी रहता है और हम लोगों को गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो चलिए बात करते हैं आगे चैनल में कि क्या हम लोगों को खाना चाहिए जिससे हम लोगों का बीपी नॉर्मल रहे और हम लोगों को दवा नहीं खानी चाहिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, आगे मैं आपको बताती हूँ बीपी के बारे में, हाई बीपी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका बीपी नॉर्मल रहे, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपने खान पान में बदलाव करना होगा। इसके लिए आपको जो चिकने आइटम होते हैं जिसमें फैट ज़्यादा होता है, वो सब चीज़ों से आपको परहेज करना होगा। मतलब खाना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं खाना है कि आपकी बॉडी को वो नुकसान करे। और सबसे पहले आपको हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा मात्रा में खानी होंगी। जो भी डाइट हम लोग लें, उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम और फाइबर ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए और सोडियम कम हो। हरी पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम होता है, जो फालतू सोडियम को यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर कर देता है और किडनी की भी हेल्प करता है हमारे ब्लड प्यूरीफाई करने में। हरे पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक का साग, चुकंदर के पत्ते, शलजम के पत्ते, ये सब खा लेने चाहिए आपको, जैसे आप इनका जूस बना के भी पी सकते हैं। और दूसरा है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में नेचुरल कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड्स को खाने से हाइपरटेंशन ख़त्म होता है, उससे बचाव होता है। और इसके अलावा तीसरा है कि आप चुकंदर का जूस भी पी सकते हैं। चुकंदर के जूस में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो आपकी खून की नसों को खोल देता है।
तो गाइज़ अगर आप अपने खाने पीने पर ध्यान देते हैं कि क्या डाइट आपको लेनी चाहिए और क्या नहीं, तो इसे आप अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख सकते हैं और आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों को वो रीज़न ख़त्म करने हैं जो हमारे बीपी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो वो रीज़न अगर हम लोग ख़त्म कर देंगे तो हम लोगों को शायद दवाई नहीं खानी पड़ेगी। चुकंदर को आप सलाद की तरह भी काट कर खा सकते हैं, क्योंकि चुकंदर खून तो बढ़ाते ही है, साथ में हमारे खून को प्यूरीफाई भी कर देता है। और इसके अलावा आप स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं या स्किम्ड दही ले सकते हैं। दही भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि दही में फैट नहीं होता है और इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में तो मोस्टली हम लोगों को दही ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। और इसके अलावा गाइस आप सुबह के नाश्ते में ओट मिल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो जितना हम लोग जो भी आइटम्स खाते हैं अपने खाने में, अगर उनमें फाइबर ज़्यादा होता है तो वो हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें सोडियम भी कम होता है ओटमील में। और इसके अलावा गाइस आप केला ले सकते हैं, केले में भी पोटेशियम बहुत मात्रा में पाया जाता है, और आप ओटमील में केला डाल के भी खा सकते हैं। और एक केला आपको डेली खाना ही चाहिए, इससे आपके ब्लड प्रेशर में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और जो लोग मछली खाते हैं तो वो मछली भी खा सकते हैं, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 होता है, जो फैटी एसिड होते हैं उसमें, और जो हाई बीपी को कम करता है। तो जो लोग मछली खाते हैं तो वो लोग मछली भी खा सकते हैं, और जो लोग मछली नहीं खाते हैं तो वो लोग और भी जो मैं बता रही हूँ उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस आप सूरजमुखी के बीज, खरबूजे के बीज और कद्दू के बीज और खीरे के बीज भी ले सकते हैं। इसमें पोटेशियम मैग्नीशियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इनको आप एक साथ रख के सबको मिला के थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। और गाइस लहसुन का प्रयोग जितना आप करते हैं तो उतना ही आपके बीपी में फ़ायदा होने वाला है। लहसुन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी में डालें, और लहसुन की कच्ची लहसुन की सब्ज़ी भी बनाकर आप खा सकते हैं। जैसे हरी मिर्च और लहसुन की चटनी आप पीस लेते हैं तो उसको भी खा सकते हैं, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा आपके बीपी में। और कुछ मसाले भी ऐसे होते हैं जो बीपी में फ़ायदा करते हैं, जैसे दालचीनी है, आपका मेथी है और इलायची है, तुलसी के पत्ते हैं, ये सब भी आपके बीपी में बहुत फ़ायदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो दाल खाते हैं, अगर वो छिलके वाली दाल खाते हैं, जैसे साबुत दाल जो होती है वो छिलके वाली अगर होती है तो उसमें फाइबर बहुत मात्रा में होता है। तो आप हफ्ते में 2-3 बार छिलके वाली दाल ज़रूर खाएँ, वो बिल्कुल कोलेस्ट्रोल को हटा देता है। जो भी हमारे बॉडी में चिकने आइटम खाने से जो कोलेस्ट्रोल होता है वो बिल्कुल उसको हटा देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को छिलके वाले आइटम खाने चाहिए। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि हम लोग जो आटा खाते हैं तो मोटा आटा खाना चाहिए, मैदा हम लोगों को नुकसान करती है। तो इसी तरह से जो छिलके वाले आइटम होंगे उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो फाइबर वाली चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। और एक पर्सनल सलाह देना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी बने। अगर आप लोग मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं तो उसमें वसा ज़्यादा होती है, और जितना वसा हम लोगों के शरीर में जाएगी उतने ही हम लोगों के जो ब्लड की नसें हैं, जो खून हार्ट तक पहुंचा रही हैं, उसमें ब्लॉकेज आने की संभावना रहती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी पर डिपेंड रहिए, शाकाहारी बनिए। और ज़्यादा फैटी आइटम खाने से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जब हम लोगों का ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो वो ठीक से नसों में नहीं बहता और नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी होता है, और बीपी की वजह से फिर हार्ट अटैक होने का भी खतरा रहता है।